अब हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट ठीक है ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो जो छोटी सी स्टोन होती है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनटेक करके क्या कर सकते हैं बॉडी से रिमूव कर सकते हैं अगर उसे थोड़ी सी मीडियम साइज़ की होती है बड़ी होती है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम लिथोट्रैप्सी कहते हैं ठीक है लिथोट्रैप्सी नॉन सर्जरिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन मतलब इसके अंदर कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती इसके अंदर क्या किया जाता है इसके अंदर जो है वो डिफ़रेंट शॉक वेव्स आप कह सकते हैं रेडिएशंस लगाई जाती हैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि एक, एक्स्ट्रा प्रोक्यल, एक्स्ट्रा शॉक क्या होते हैं कि बॉडी की जो मेम्रेन होती है उसके बाहर से एक्स रेज जो है आ, गुजारी जाती हैं मशीन होती है मशीन से एक्स रेज या अल्ट्राइलेट रेज निकलती हैं जो कि जाकर किडनी के अंदर अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिस जगह के ऊपर स्टोन होता है उसी जगह के ऊपर वो रेज जो है वो गुजारी जाती हैं और उससे उस किडनी को छोटे पीसेस के अंदर तोड़ दिया जाता है और इस तरह ये यूरिन से बाहर पास हो जाती है नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है रे, रेनल फेलियर का ठीक है रेनल फेलियर क्या होता है कि जब किडनी का जो है वो थोड़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वो नेफ्रॉन का वो डैमेज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं रीनल फेलियर कहते हैं जब ग्लोमेरुलस पार्ट जो है वो ये जो ग्लोमेरुलस है अगर ये डैमेज हो जाएगा तो सही तरह से फिल्ट्रेशन नहीं होगी फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो जितने भी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं वो सारे के सारे ब्लड के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड आ, आ, जो है वो क्या होना रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा यूरिन के ज़रिए भी तो इससे क्या हो जाएगा अनिमिया की कंडीशन भी हो सकती है नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि रेनल फेलियर ये, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है मतलब किडनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है या बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती तो उसके लिए क्या करना होता है डायलिसिस करने होते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गए होते हैं जिसे बॉडी से रिमूव करना या ब्लड से रिमूव करना ज़रूरी होता है ठीक है तो उस नाइट्रोज जनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है डायलाइसिस किया जाता है डायलाइसिस का मतलब क्या होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड ब्लड को साफ करना ठीक है इसके लिए हम आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल किडनी मतलब के डायलाइजर मशीन की बात कर रहे हैं और हम अपने एबडोमन हमारे एबडोमन को भी एज अ डायलाइजर मशीन यूज़ करके इसको डायलाइसिस परफॉर्म किया जाते हैं ठीक है तो डायलाइसिस टू टाइप के होते हैं होमो हिमो एंड पैराटोनियल डायलाइसिस हीमोडाइलॉसिस जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कह रहे हैं और पैरेटोनियल जो एब्डोमिनल के अंदर परफॉर्म किया जाता है और हीमोडायलाइसिस का मतलब क्या होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड ठीक है तो सबसे पहले हम हीमोडायलाइसिस देखते हैं जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि ये एक डायलाइजर मशीन है ठीक है डायलाइज़र मशीन के अंदर छोटी छोटी सी ये क्या लगी हुई है? थिन हैं थिन मेम्ब्रेन हैं जिसके अंदर यहाँ से जो है वो हमारी जो रिस्ट है उसकी रीनल वेंस के को इसके साथ अटैच कर दिया जाता है यहाँ से जितना भी ब्लड है वो इस डायलाइज़र मशीन में इस मेमब्रेन से पास होता है इस डायलाइज़र के अंदर फ्लूड होता है जिसे डायलाइज़र फ्लूड कह रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रियस प्रेजेंट होते हैं जैसे ही हमारा ब्लड इन ट्यूब से गुजरता है तो उसके अंदर जितना भी वेस्ट होता है वो सारा का सारा के अंदर मूव जा, कर जाता है और के अंदर अंदर जितना भी होता है वो इस इस या जो ट्यूब्स हैं इनके मूव कर जाता है की जिससे हमारा ब्लड क्या हो जाता है डिफ्यूजन के जरिए साफ हो जाता है और ब्लड इस तरह होता होता कहां पर चला जाता है जहां से हमारी रिस्क के साथ दोबारा हमारी बाजू की रीनल आर्टरीज जो है वहां से इसको कनेक्ट किया जाता है एक तरफ से ब्लड इंटर हो होता है उसमें डिफ्यूजन होती है ब्लड जो है उसमें से वेस्ट डायलाइजर फ्लूड के अंदर मूव करते हैं और डायलाइजर फ्लूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के अंदर आ जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए जिससे ये ब्लड साफ हो जाता है और दोबारा से रीनल आर्टरीज से ब्लड जो है वो एक तरफ से साफ हो रहा है एक तरफ से आ रहा है साफ होकर दूसरी तरफ से दो जो है वो हमारी बॉडी के साथ जो है ट्यूब्स लगाई जाती हैं जो कि हमारी वेंस और आर्टरीज से कनेक्ट की जाती हैं और एक तरफ से ब्लड आता है और दूसरी तरफ से क्लीन होके बॉडी को रिटर्न हो रहा होता है साथ में यहाँ पे वेस्ट जितना भी बार बार उस डायलाइजर फ्लूड को जो है वो साफ़ किया जाता है क्लीन किया जाता है तो उसके लिए साथ में एक बैग लगा होता है वेस्ट बैग जिसके अंदर सारा का सारा वेस्ट जो है वो मूव कर जाता है स्टोर हो जाता है उस बैग को रिमूव कर लिया जाता है न्यू बैग लगा दिया जाता है और न्यू डायलाइज़र फ्लूड जो है वो इंटर कर दिया जाता है और इस तरह हमारी बॉडी के जो है जितना भी ब्लड होता है उसको फिर फ़िल्टर कर लिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हीमोडायलाइसिस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है पेरिटोनियल कैविटी जो पेरिटोनियल डायलाइसिस है जो कि के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हो रहा होता है जैसे अगर ये हमारा एबडोमन है ठीक है एबडोमन के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी कह रहे हैं उसके बाहर जो एक लेयर होती है उसे हम पेरिटोनियल कहते हैं ठीक है थीके? तो बॉडी से बाहर एक यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कैथेटर कैथेटर जो है वो लगाया जाता है इंजेक्शन की तरह का होता है जो एबडोमन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ से डायलाइजर जैसे डायलाइजर के अंदर फ्लूड होता है उसी तरह यहाँ से डायलाइजर फ्लूड जो है वो एबडोमल कैविटी के अंदर भेजा जाता है जिससे यहाँ पे क्या होती है डिफ्यूजन होती है और जितना भी ब्लड के अंदर जितना भी जो है वो वेस्ट होता है वो सारा का सारा एबडोमन में मूव कर जाता है और जो डायलाजर फ्लूड है वो सारा का सारा जो हमारे ब्लड के एबडोमन के साथ कैपलरीज अटैच है वहाँ पर डिफ्यूजन हो जाती है और न्यूट्रिय ब्लड के अंदर मूव कर जाते हैं और ब्लड से जितना भी वेस्ट होता है वो इस एबडोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है और इस इंजेक्ट एक्शन के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है तो जो हमारे एबडोमन के अंदर परफॉर्म हो रहा है डायलाइसिस का फिनोमेना, उसको हम पैराटोनियल डायलाइसिस कहते हैं और जो डायलाइजर मशीन के अंदर परफॉर्म हो रहा है उसे हम आ, क्या कहते हैं उसे हम हीमोडाइलिस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आपको बताया गया है किडनी ट्रांसप्लांट कि अगर किडनी बिल्कुल ही डैमेज हो गई हो बिल्कुल ही तो उसके लिए किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है ठीक है अगर बहुत ज़्यादा हाई एल एल एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ कि किडनी का आखिरी स्टेज है बिल्कुल डैमेज हो गई है काम एक परसेंट ही काम नहीं कर रही तो उसके लिए फिर हमें जो है वो किसी न्यू किडनी लगानी पड़ती है किडनी को किसी जो जिसके जो है वो डिफरेंट कंडीशन होती हैं जो कि किसी डोनर के साथ मैच करती हैं जिससे हम ले रहे हैं डोनर और रिसीवर की तो वो उसको मैच किया जाता है और इस तरह जब कंडीशन मैच करती हैं तो किडनी को जो है वो न्यू किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है तो इस तरह जो है ये सारी की सारी क्या हैं किडनी की प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्योर्स आप लोगों को बताए गए हैं ओके okay, थैंक्स